हेलो फ्रेंड, आप सबका वेलकम है फीफा मोबाइल की न्यू वीडियो में। और आज हम न्यू हीरो चैप्टर अनलॉक करने वाले हैं 5 की वाला, तो चलो जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे हम जो हमारे न्यू कार्ड हुए हैं, तो सबसे पहले हमें सुपर स्कोर से यहाँ पे हमें की परचेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें 625 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे 5 की के लिए। तो यहाँ पे हमने अपने 5 की के लिए 625 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। तो चलो फाइनली हम यहाँ पे अब टैप टू ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फाइनली अब की यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। तो अब ये हम चैप्टर को अनलॉक करते हैं जल्दी से। देख रहे हो 5 की मांग रहा है, तो हमारे पास की है तो हम ओके कर देते हैं। और यहाँ पे फाइनली हमारा चैप्टर अनलॉक हो चुका है। तो अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख लो फाइनली हमारा इस चैप्टर का एक बार ओवरव्यू देख लो। यहाँ पे हमें 110 OVR का LW मिलेगा ऑस्ट्रेलिया टीम का, और ये प्रीमियर लीग भी खेलता है। तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया टीम के 5 प्लेयर चाहिए होंगे और प्रीमियर लीग के 8 प्लेयर। तो आप पहले इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कम से कम 4 प्लेयर खरीद लेना जो ऑस्ट्रेलिया टीम में भी खेलते हैं और प्रीमियर लीग में भी। तो यहाँ पे एक बार देख लो, पूरा ओवरव्यू देख लो इसका। जैसे कि हमने कार्ड खोले थे तो सबके सिमिलर ही है, तो आज हम इसका गेम प्ले की वीडियो नहीं दिखाएंगे आपको। तो चलो फाइनली हम चलते हैं अब होम स्क्रीन पर और अपना पहले एक स्क्वाड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो नीचे की साइड एक डॉट सा आ रहा होगा, यहाँ पे हमने अपने स्क्वाड क्रिएट कर लिया है। तो पहले इसका नेम चेंज करते हैं। यहाँ पे नेम पे देख रहे हो, सेटिंग पे जाओ और यहाँ पे हीरो लिख देते हैं। तो इसको पहले कार्ड देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब हम हीरोज लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे देख रहे हो राइट का टिक आ रहा है, उस पर क्लिक कर देते हैं जल्दी से और यहाँ पे सेव पे कर देते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो हमारे स्क्वाड आ चुका है। तो अब यहाँ पे मार्केट पे जाके हमें वो प्लेयर खरीदने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर खरीदेंगे। देख रहे हो यहाँ पे हमें OVR 49 से 53 OVR के प्लेयर को यहाँ पे खरीदेंगे, क्योंकि वो लो प्राइस में आपको मिल जाते हैं। इसमें देख रहे हो आप कोई सी पोजीशन पे कोई सा भी प्लेयर खिला सकते हो, इतना कोई मैटर नहीं करता। और कम OVR के प्लेयर भी खिला दो तो भी कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ से हम 5 प्लेयर खरीदेंगे ऑस्ट्रेलिया टीम के। तो यहाँ पे हमने एक खरीद लिया। देख रहे हो जिस प्लेयर पे ब्लू टिक आता है तो आप उसी प्लेयर को परचेज करना, क्योंकि वही अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे हम अब 53 कर देते हैं OVR, और आगे वाले में 60 कर देते हैं, क्योंकि हमें 53 से 60 OVR के प्लेयर यहाँ पे चाहिए ऑस्ट्रेलिया टीम के, क्योंकि। और यहाँ पे चलो सर्च पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जोन से भी प्लेयर पे अब देख रहे हो ब्लू टिक दिखेगा, हम वही वाला खरीदेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लो प्राइस वाले प्लेयर ही खरीदो, क्योंकि इसमें इतना कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास एक हाई स्किलफुल प्लेयर होना चाहिए। आप अगर लो OVR के भी प्लेयर खरीद लोगे तो इतना कोई मैटर नहीं करता, इजीली सारे राउंड कंप्लीट कर दोगे। तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट हम अपने 5 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया टीम के खरीद लेते हैं। तो आपको 5 प्लेयर तो ऑस्ट्रेलिया टीम के खरीदने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे फाइनली अब हमारे लग रहा है प्लेयर तो हमने बाय कर लिया, ये हमारा शायद लास्ट प्लेयर है। और फाइनली हमारे सारे प्लेयर यहाँ पे परचेज हो चुका था। माय ऑर्डर पे चलते हैं और इन प्लेयर को क्लेम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 4 प्लेयर मिले हैं, तो हमारा एक प्लेयर शायद रह चुका है, तो उसको जाके दोबारा से आपको रीसेल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रीसेल पे हमने क्लिक कर दिया है और फाइनली ये प्लेयर हमें यहाँ पे सेल हो चुका है और हमने इसको क्लेम कर लिया। तो चलते हैं फिर से हम अपनी होम स्क्रीन पे और अपने स्क्वाड में फिर से चलते हैं, और हम ऑस्ट्रेलिया टीम के यहाँ पे प्लेयर को अब ऐड करेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पे हमने फिल्टर में लगा दिया ऑस्ट्रेलिया टीम और यहाँ पे सर्च कर दिया है। यहाँ पे देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया का हमने सबसे पहले एक प्लेयर ऐड कर दिया है। तो अब फटाफट से हम अपने 5 ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर को ऐड कर देते हैं। आपको भी ऐसे ही बिल्कुल अपना स्क्वाड क्रिएट करना है। अगर आपने एक बार स्क्वाड प्रॉपर क्रिएट कर लिया तो आपने जो चैप्टर खोला है आपको उसमें बिल्कुल भी कोई प्लेयर की नीड नहीं पड़ेगी। बस एक बार थोड़ा टाइम लगा के अपना स्क्वाड बना लेना जोन जोन से प्लेयर रिक्वायर्ड हो, उसके बाद फिर आप इजीली पूरे चैप्टर को खेल सकते हो। एंड तक आपको कोई भी प्लेयर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हमने 5 ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं प्रीमियर लीग के प्लेयर को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे लीग पे चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हो हमारे प्रीमियर लीग के भी प्लेयर आ चुके हैं। तो प्रीमियर लीग के तो हमने इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि हमारे पास सारे प्लेयर थे, तो इनको भी हम जल्दी से ऐड कर देते हैं प्रीमियर लीग के सारे प्लेयर को। और याद रखना है इसमें देख रहे हो ना OVR इतना मैटर करता है, ना आप किसी भी पोजीशन पे कोई सा भी प्लेयर खिला दो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपके पास किसी भी पोजीशन का प्लेयर नहीं हो तो आप दूसरा प्लेयर भी खिला सकते हो,
आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली राउंड जीत जाओगे, क्योंकि इसमें इतना मैटर नहीं करता कौन सी पोजीशन पे कौन सा प्लेयर खेले। अगर आपके पास पर्टिकुलर उस पोजीशन का प्लेयर है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे देख रहे हो फाइनली हमारा पूरा स्क्वाड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हो हमने सारे प्लेयर ऐड कर दिए, मगर हमें दो प्लेयर और ख़रीदने थे जो प्रीमियर लीग भी खेलते और ऑस्ट्रेलिया टीम के भी हो। तो यहाँ पे चलो फिल्टर लगाते हैं, पहले प्रीमियर लीग पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च कर देते हैं। OVR हम यहाँ पे कोई भी नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो दो कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहे थे लो प्राइस में, तो चलो इसको परचेज कर लेते हैं। मगर अभी इसको कोई भी सेल नहीं कर रहा है, जब ये कोई सेल करेगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो हमने इन दोनों प्लेयर को परचेज करने के लिए ऑर्डर पे लगा दिया और देखते हैं फाइनली अपने माई ऑर्डर में कि कोई इस प्लेयर को सेल कर रहा है तो हमें यहाँ पे मिल जाए जल्दी से। और यहाँ पे फाइनली देख रहे हो हमें एक प्लेयर मिल चुका है LW, तो चलो इसको यहाँ पे हमने क्लेम कर लिया है। और अभी थोड़ा और वेट करते हैं, यहाँ पे हमें CFB फाइनली मिल जाए। तो यहाँ पे अभी तो कोई सेल नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसका, क्योंकि अभी बस फाइनली हमने ही इसको यहाँ पे सेल के लिए लगा रहा। और देख रहा हूँ माई ऑर्डर पे फाइनली वो वाला प्लेयर भी किसी ने सेल कर दिया। और यहाँ पे चलो इसको भी क्लेम कर देते हैं। और हमारे पास अब ये दोनों प्लेयर आ चुके हैं, तो चलो अब चलते हैं फिर से हम अपने स्क्वाड पे माई टीम पे क्लिक करके। और अब देख रहा हूँ हम यहाँ पे दो प्लेयर को चेंज करने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देख रहा हूँ फिल्टर में जाके क्लिक करते हैं, और यहाँ पे प्रीमियर लीग तो हमने लगा रखा है। अब यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया टीम और सेलेक्ट कर लेते हैं। जो दोनों कार्ड हमने परचेज करे थे वो फाइनली देख लो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब इनको हम यहाँ पे जल्दी से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इस CF को यहाँ पे खिलाएंगे ST की पोजीशन पे, और यहाँ पे देख लो CM की जगह हम इस वाले प्लेयर को खिला लेंगे, क्योंकि LW यहाँ पे हमारे पास कोई मैटर नहीं करता कोई सी भी पोजीशन पे कोई सही प्लेयर के लिए। और फाइनली देख रहे हो हमारा स्क्वाड बन के पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड हमने फाइनली जो चैप्टर अनलॉक करा था इसको अब आसानी से खेल सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमने पूरा स्क्वाड क्रिएट कर दिया। आपको कोई से भी प्लेयर की अब नीड नहीं पड़ेगी, आप इजीली पूरे मैच खेल सकते हो। हम आज इस गेम प्ले की वीडियो नहीं लेके आएंगे, क्योंकि गेम प्ले सबका सिमिलर ही है। तो प्लीज़ इंजॉय करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।